बैरिकेडिंग तोड़कर दूसरे पाले में आ चुके हैं। यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, दूसरी तरफ राठौड़ साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राठौड़ साहब बैरिकेडिंग तोड़ के आ गए, सीपी जोशी भी आए लेकिन पैर में थोड़ी सी हल्की चोट आई है उनको। देखिए सरकार की हठधर्मिता है, हमने सरकार के नुमाइंदों को कहा था हम भ्रष्टाचार के प्रमाण सरकार के सरंगना तक पहुँचाना चाहते हैं, हम वो सारे कागजात देना चाहते हैं, पर सरकार का रवैया आपके सामने है, कोई बात करने को तैयार नहीं, हमारा ज्ञापन लेने को तैयार नहीं, इसलिए पहला बैरिकेड हजारों कार्यकर्ताओं ने तोड़ा है। अब आगे की बात, अभी आगे 250 गाड़ियों को तो पहले ही रोक लिया गया है और कुछ लोग जो आ रहे थे उनको भी पहले ही रोक लिया गया है। देखिए राज्य पूरे जयपुर को सील किया गया, जयपुर से 9-9 किलोमीटर की सीमाएं सील रही और उसके बाद भी आप देख रहे हैं हजारों कार्यकर्ता आज यहाँ पहुँचे हैं। ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग हमारी प्रारंभ हुई है, ये जंग परिणति तक पहुँचेगी, चुनाव तक हम इसको जिंदा रखेंगे और सरकार को घेरेंगे। चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रही बीजेपी, इस प्रकार के गहलोत सरकार ने गहलोत के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं कि अब चुनाव सामने है, तो गहलोत सरकार ने ये बयान दिया है कि अब सड़कों पर बीजेपी नजर आएगी और एक बार नहीं हजार बार नजर आएगी क्योंकि चुनाव में ये अपनी एक्टिविटी नजर दिखाएंगे। हम तो हमेशा से पूरे 5 साल तक बीजेपी ने उन मुद्दों को उठाया जिनमें लूट थी, जिसमें झूठ थी, और अब इन मुद्दों को संकलन करके हम सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। सरकार से कोई उम्मीद नहीं, परंतु फिर भी हम सरकार के मुखिया तक बात पहुंचाना चाहते हैं, और मुखिया नहीं मानेगा तो आने वाली सरकार में कमीशन बना के जांच करवाएंगे और इन सारे चेहरों को बेनकाब करेंगे। बिल्कुल तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ से दिखाना चाहूँगा कि एक बैरिकेटिंग तोड़ दी गई है और दूसरी बैरिकेटिंग बिल्कुल यहाँ पर लगा दी गई है और पुलिस का जाप्ता पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है रोकने के लिए तमाम लोगों को। और यहाँ पर एक तरफ दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बैरिकेटिंग से लोग बैरिकेटिंग तोड़ कर दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का जाप्ता यहाँ नज़र आ रहा है, जिसके अंदर तमाम जो पुलिस का जाप्ता है उसके अंदर 4 टुकड़ियों के अंदर पुलिस को तैनात किया गया है और सबसे आगे पुलिस को आगे तैयार किया गया है, उसके बाद पुलिस प्रशासन को और उसके पीछे बैरिकेटिंग वाटर कैनन और की गाड़ियां हैं जो पीछे तैयार है ताकि किसी भी तरीके से इसको यहां से तोड़ ना पाए। और यहां पर देख सकते हैं पुलिस का जो जाप्ता बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों को रोकने के लिए तैयार खड़ा है कि किसी भी तरीके से ये कार्यकर्ता ये बैरिकेटिंग तोड़कर आगे ना बढ़ सके। और यहाँ पर धीरे धीरे पहली बैरिकेटिंग को तोड़कर सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आगे आ रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं पुलिस बल का प्रयोग करते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पर लाठी देख सकते हैं और यहाँ पर मार लग रही है, जिस तरह का आक्रोश यहाँ देखा जा रहा है, पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प नजर आ रही है जिस तरह से अभी यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से तस्वीरें यहाँ देख सकते हैं पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प, लाठी छीनने की कोशिश की जा रही थी जिसमें ये आपस में झड़प हो गई, जिसके बाद तस्वीरें देख सकते हैं आप, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि आगे बढ़ा जाए लेकिन फिर भी पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात नज़र आ रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है किसी प्रकार से भी जो है माहौल को ख़राब ना हो, किसी भी तरीके से माहौल बिगड़े ना, जिसको लेकर पुलिस तमाम प्रयास कर रही है, समझाइश भी कर रही है लेकिन लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर ये चीज़ नज़र आ रही है, पुलिस प्रशासन पूरा कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ का माहौल ना बिगड़े, लेकिन तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखकर पुलिस प्रशासन समझाइश की पूरी कोशिश की जा रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं चीज़ें सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से 3 टुकड़ों के अंदर यहाँ पर खड़े हैं और आगे वाटर कैनन उधर दूसरी साइड में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से जो है व्यवस्था ना बिगड़े। मेरे सहयोगी यहाँ तक जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जो है यहाँ पर आ गए हैं और पीछे की तरफ और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी आ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं लगातार और आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि ये सचिवालय का घेराव कितना सफल हो पाता है या नहीं, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से आगे ना जाने दिया जाए। और वहाँ दूसरी तरफ भाजपा कार्यकर्ता, तमाम कार्यकर्ता ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ा जाए। मेरे सहयोगी अजय सिंह के साथ मैं दीपक महोत्सव, तेज टीवी जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।